बहस चाहे हिचके लेने पर हो या पेट में एसिडिटी होने पर, मनुवादी लोग हर बहस को आरक्षण की ओर मोड़ देने में माहिर हैं। ऐसा ही कुछ अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी किया। ट्विटर पर बहस पटाखों को लेकर हो रही थी, लेकिन राजपूत होने पर गर्व करने वाली कंगना ने इसे भी आरक्षण के मथे मर दिया। पटाखों को छोड़ कंगना आरक्षण को कोसने लग गई। आपको पूरी खबर समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि ट्विटर पर आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने पटाखों को लेकर सवाल पूछा था। डी रूपा कर्नाटक में बतौर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी के पद पर तैनात हैं। उन्हें आज दिन भर ट्विटर पर बुरी तरह ट्रोल किया गया। वजह थी उनका पटाखों को लेकर सवाल पूछना। डी रूपा ने ट्विटर पर एक सवाल पूछा था कि दिवाली पर पटाखों पर बैन लगने से क्या दिक्कत है। इसके बाद तमाम अंधभक्त और कट्टर लोग उनसे पूछने लगे कि क्या वो बाकी धर्मों के रीति रिवाजों पर भी सवाल उठाएंगी। इसके बाद भारतीय इतिहास से जुड़े फैक्ट्स बताने का दावा करने वाले @TIINExile यानी ट्रू इंडोलॉजी हैंडल से दावा किया गया कि पटाखों का उल्लेख तो हिंदुओं के वेद पुराणों में भी है। आईपीएस डी रूपा ने ट्रू इंडोलॉजी से इसका सबूत दिखाने के लिए कहा, लेकिन आज अचानक ही ट्रू इंडोलॉजी नाम का ये अकाउंट सस्पेंड हो गया। लोग कहने लगे कि डी रूपा ने पावर का गलत इस्तेमाल कर अकाउंट को बंद करवा दिया। इसके बाद से ही डी रूपा को ट्विटर पर बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा। #ShameOnYouPSRoopa और #BringBackTrueIndology टॉप ट्रेंड कर रहा है। इसी ट्रोलिंग में अभिनेत्री कंगना रनौत भी कूद पड़ी, लेकिन उन्होंने पटाखों के पुरानी कनेक्शन को साबित करने की जगह आरक्षण को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आरक्षण के यही साइड इफेक्ट्स हैं। जब अयोग्य लोगों को शक्ति मिलती है तब वो कुछ भी ठीक नहीं करते, केवल चोट पहुंचाते हैं। मुझे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन गारंटी देती हूं कि उनकी एकुंठा उनकी अयोग्यता की वजह से ही पैदा हो रही है। #BringBackTrueIndology। यानी कंगना रनौत ने बहुत ही बेहुदे तरीके से पूरी बहस में ये साबित करना चाहा कि आरक्षण से चुने जाने वाले लोग नालायक होते हैं। वैसे आईपीएस डी रूपा आरक्षित कोटे से आती भी हैं या नहीं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। उनकी टाइमलाइन पर बहुजन नायक नायिकाओं से जुड़ी कोई भी तस्वीर या सामग्री नहीं है, और ना ही उन्होंने अपने बायो में कुछ ऐसी जानकारी दी है कि वो SC ST या OBC समुदाय से ताल्लुकात रखती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर क्यों कंगना ने उनके बहाने सीधा आरक्षण पर निशाना साधा। वैसे कंगना रनौत खुद एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि PMT में उन्हें परिवार के बैकग्राउंड के कारण स्पेशल कोटा मिला था। तो क्या कंगना रनौत खुद को भी अयोग्य मानेंगी जिसे आरक्षण से फायदा हुआ है? कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि सवर्णों को बचपन से ही हर चीज के लिए आरक्षण को कोसना सिखा दिया जाता है, और कंगना रनौत की परवरिश भी इसी तरह हुई है। तभी तो उन्हें हर बात के लिए बस आरक्षण जिम्मेदार लगता है, लेकिन असल में ये उनके दिमाग में भरे जातिवाद के जहर के सिवा कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।